ಮಾತು ದೊಡ್ಡದಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋದು. मेरा सम्मान किया, ये तोहफा मेरे देश के कोटि कोटि वीवर्स का है, मेरे देश के कोटि कोटि खादी को समर्पित मेहनत कश लोगों का तोहफा है. मैं इसको सर झुका करके स्वीकार करता हूँ. गरीबी से जिंदगी का गुजारा कैसे होता है ये मैंने जिया. मैं किसी प्रधानमंत्री की कोख से पैदा नहीं हूं, मैं किसी मंत्री के घर पैदा नहीं हुआ, मैं किसी राजनेता के घर में पैदा नहीं हुआ, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं. आज आपने मुझे यहां भेजा. ये गुड गवर्नेंस ये कोई अमीरों के लिए नहीं होता है. अमीर तो सरकारें खरीद सकते हैं, गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है. सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट होना चाहिए. होती है, चलती है, करते हैं, देखते हैं. ये रास्ता हमें मंजूर नहीं था, हमने फैसला लिया समय सीमा में हिंदुस्तान की स्कूलों में टॉयलेट बनना चाहिए और बना दिए. उत्तम कक्षा का जिंजर जहां पैदा होता है पूरी भूमि पर, अब ये ब्रिज बनने के बाद एक बहुत बड़े मार्केट के लिए, इन किसानों के लिए नया रास्ता खुल जाएगा. अब उनकी कमाई में वृद्धि होगी.